बिहार की राजधानी पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के मर्चा मर्ची रोड स्थित के सरस्वती स्कूल के पास नवनीत एजुकेशन लिमिटेड वेयर हाउस कंपनी में 17 जुलाई 2024 की रात बदमाशों ने स्टडी से संबंधित कॉपी किताब के 70 बॉक्स गोदाम से चोरी कर ली है, जिसकी पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 3-4 की संख्या में बदमाश नवनीत एजुकेशन लिमिटेड वेयर हाउस के गोदाम में घुसते ही गोदाम में रखे हुए कॉपी किताब पेंसिल के 70 बॉक्स को चोरी कर लिया है। नवनीत एजुकेशनल लिमिटेड ब्रांच के रीजनल सेल्स मैनेजर राजीव रंजन ने बताया कि 17 जुलाई की शाम वेयर हाउस कंपनी में काम करने के बाद सभी एम्प्लॉय चले गए थे। 18 जुलाई की सुबह 10 बजे करीब वेयर हाउस कंपनी में आने के बाद देखने से पता चला कि गोदाम से कई बॉक्स गायब है। गोदाम में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जानकारी मिली कि बीती रात चोर गोदाम में घुसे और नवनीत एजुकेशन 70 बॉक्स चोरी कर लिए, जिसकी जानकारी पटना के बाईपास थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा को दी गई। लिखित रूप से अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। पूर्व में भी 16 मई 2024 के गोदाम को 250 से करीब बॉक्स की चोरी की गई थी। उसी समय भी थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए करीब थे। पिछली बार भी चोरी की घटना का अभी तक सामान बरामद नहीं हुआ है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। हमारा यहाँ नवनीत एजुकेशन लिमिटेड का वेयर हाउस है, जो बॉम्बे कंपनी है, और यहाँ से हम लोग नोटबुक, लॉन्ग बुक और ये सब स्टेशनरी का आइटम और बुक्स का यहाँ पर से डिस्पैच होता है। और हम लोग गोदाम से कल हम लोग बंद करके लगभग 6 बजे करीब सब लोग जा चुके थे। फिर आज सुबह में हम लोग 10-10:30 बजे करीब आए तो गोदाम खोले तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर हम लोग ने सीसी फुटेज देखा अपना, जो हम लोग का कैमरा लगा हुआ है, तो देखे कि 3-4 लोग दिखे हैं जो कि हमारे पीछे के एक साइड से सामान पटला खोल के, जो टीन का शेड है उसको खोल के उसे लेके जा रहे हैं। लगभग 70 बॉक्स हम लोग का स्टॉक गायब है। कितने का माल है वो? लगभग 4 लाख का है। और पुलिस को जानकारी? हाँ, पुलिस को हम लोग ने 12 बजे करीब उन्होंने सूचना दिया कि हमारे गोडे में बाईपास थाना हमें पड़ता है, मर्ची रोड में हम लोग का है, और केशव सरस्वती मंदिर स्कूल के बगल में हमारा गोदाम वेयर हाउस है। पुलिस को जानकारी दी है, क्या आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन मिला कि हम लोग कार्रवाई करते हैं। फिर हम लोग ने लिखित आवेदन भी दिया है जाके 3 बजे करीब, तो पुलिस वाले बोले हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद कुछ नतीजा पाएंगे। लेकिन अभी तक कोई विजिट नहीं हुआ है हमारे गोदाम पर। शाम को आएंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी दोषी हैं, अभियुक्त हैं, उनको पकड़ा जाए, हमारा सामान हमारे वापस मिल जाए। पिछले बार भी आपके यहाँ चोरी हुई थी? हाँ, कितने लाख की चोरी हुई थी? क्या सामान? हाँ, लगभग 16-17 मई को हुआ था हम लोग के यहाँ, उस 12-13 लाख का लगभग चोरी हुआ था। सामान बरामद हुए कि नहीं? नहीं, सामान बरामद नहीं हुआ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजीव रंजन है, मैं नवनीत एजुकेशन लिमिटेड में रीजनल सेल्स मैनेजर की हैसियत से कार्यरत हूँ। हम लोग का ये वेयर हाउस है। अपना परिचय? नाम? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ।